स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और खबर लखनऊ से है, जहां राकेश टिकैत के ओवैसी बयान पर एमीम के प्रवक्ता आसिम बकार ने कहा है कि 2017 और 19 में राकेश टिकैत भाजपा को जिता रहे थे। मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीति दूरी तय कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि 2022 में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत भाजपा के पिच पर भाजपा के बल्ले और गेंद से खेल रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। ओवैसी साहब को बीजेपी के चचा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की, और आज आपको बीजेपी बीओसी टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि 2022 के चुनाव में आप अपने कैंडिडेट अलग से उतार देंगे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। यह भी शक है मुझे कि अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप। किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं आप। आप अपने गिरेबान में झांकिए और झांकने के बाद ये बताइए कि आप असलियत में क्या हैं। बाकी तो 2022 तय कर देगा कि कौन किसका एजेंट। और खबर